इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के विधायकों को कथित तौर पर खरीदने की कोशिश के मामले में राज्य पुलिस की SIT ने भारतीय जनता पार्टी के नेता BL संतोष को समन भेजा है। संतोष को 21 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कार्य संस्कृति लेकर आए हैं जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन करते हैं। अटकाना लटकाना भटकाना का युग चला गया है। केंद्र सरकार ने नए डाटा गोपनीयता कानून का प्रस्ताव पेश किया है। इस कानून के तहत डाटा उल्लंघन के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इसके तहत लोगों के निजी डाटा एकत्र करने से पहले सहमति लेना अनिवार्य होगा। कानून तोड़ने पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मसाज कराने के 2 वीडियो सामने आए हैं। इसमें सत्येंद्र जैन बिस्तर पर लेटे हैं और एक शख्स उनके पैरों की मालिश कर रहा है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के बीच पायलट खेमे के नेता प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राकेश मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ उन्होंने गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि संगठन में जिम्मेदारी न मिलने से वे खिन्न थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते और खराब प्रदर्शन कर चुनाव चिन्ह छीन भी सकता है। हाईकोर्ट ने यह बात समता पार्टी की याचिका पर कही जो उसने शिवसेना उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में जलती मशाल मिलने के खिलाफ दाखिल की थी। याची ने दावा किया था कि जलती मशाल उसका चुनाव चिन्ह है और उसने इस चिन्ह पर चुनाव लड़ा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार दुनिया को अपनी बेटी से रूबरू कराया। शुक्रवार को उत्तर कोरिया द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के दौरान किम जोंग की बेटी भी उनके साथ मौजूद थी। वह सफेद जैकेट में अपने पिता का हाथ पकड़े हुए नजर आ रही हैं। एलन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से बैन हटाए जाने को लेकर एक ट्वीट पोल कर पूछा है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खाते को बहाल किया जाना चाहिए। इस पर अब तक 95 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। ट्रंप की ट्विटर पर वापसी के पक्ष में 52.8% तो विरोध में 47.2% लोग हैं। टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त करने के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा पर कार्रवाई की जा सकती है। रोहित से T20 की कप्तानी छीन सकती है। हालांकि वनडे और टेस्ट क्रिकेट के वे कप्तान बने रहेंगे। वहीं 2024 में T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए हार्दिक पांड्या को टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है।